पाकिस्तान का हुंजा वैली किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस इलाके को ब्लू जोन में गिना जाता है, जिसका मतलब है कि लोग औसत से अधिक समय तक जीवित रहते हैं और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। हुंजा वैली बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां आपको कुदरत से बढ़कर एक हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोगों की उम्र 150 साल से ज़्यादा होती है। अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन फोर्ब्स ने साल 2019 में हुंजा वैली को कूलेस्ट प्लेस टू विजिट में लिस्ट में शामिल किया था। हुंजा वैली दुनिया के लिए एक रहस्य है, जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाया है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं हुंजा वैली के बारे में। हुंजा वैली की महिलाएं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में शुमार होती हैं। इस जगह के बारे में लोगों को उस वक्त पता चला जब 1984 में हीथ्रो एयरपोर्ट पर अब्दुल मोबट नाम के एक मुसाफिर को लंदन का वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि अब्दुल की उम्र 152 साल की थी और इस बात को यकीन करना मुश्किल था। इस घटना के बाद कई वैज्ञानिकों ने हुंजा वैली को विजिट किया था और पाया था कि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल आम इंसानों के लाइफस्टाइल से बहुत अलग है। ये मेहनतकश लोग होते हैं, जो मेहनत करके खाना खाते हैं और आधुनिक मशीनों से दूर रहते हैं। हुंजा वैली के लोग ड्राई फ्रूट्स खूब खाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, वे दूध, सब्जियां और फल पर ही निर्भर रहते हैं। इस इलाके के लोगों को कैंसर के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हुंजा वैली में आज तक एक भी कैंसर पेशेंट नहीं पाया गया। हुंजा वैली मशीनों की दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ इंसान मेहनत करता है, इसीलिए ये लोग हेल्दी रहते हैं। इनकी उम्र को हेल्दी लाइफ के पीछे सिर्फ इनका खान पान और रहन सहन है। हुंजा वैली के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग 2 से 3 महीने तक खाना नहीं खाते। इस दौरान वे सिर्फ जूस पीकर रहते हैं। यहाँ 70 साल की औरतें 30 साल की नजर आती हैं। 65 साल की उम्र में भी यहाँ औरतें बच्चा पैदा कर सकती हैं। ये लोग घूमने टहलने के लिए गाड़ियों का इंतजार नहीं करते, बल्कि दूर दूर तक पैदल चलते हैं। अखरोट और खुबानी हुंजा वैली का सबसे खास भोजन है, जो यहाँ के लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं। हुंजा वैली के लोग बीमार पड़ते हैं तो उन्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वे इलाके के पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों से अपना इलाज कर लेते हैं। प्रदूषण की बात करें तो यहाँ गाड़ियों का धुआं आपको दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आएगा। हुंजा वैली के लोगों के घरों में आपको पानी पीने के लिए फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये लोग ग्लेशियर का ही पानी पीते हैं और उसी से नहाते हैं। तमाम रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने ये भी पाया कि हुंजा वैली के लोगों का लाइफस्टाइल ही उनकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य का राज है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।